सैमसंग नहीं चाहता कि लोग ज़्यादा काम करें, कम से कम उसका लेटेस्ट प्रोडक्ट यही बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक नया कंप्यूटर माउस लेकर आई है जो कि विशिष्ट माउस नहीं है, लेकिन विशेष रूप से लोगों को अधिक काम करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सैमसंग बैलेंस माउस के रूप में जाने जाने वाला, जब आप बहुत काम करना शुरू करते हैं तो डेस्क से भाग जाते हैं। अब यह निश्चित रूप से हमारी कल्पना नहीं है, लेकिन सैमसंग का नया कंप्यूटर माउस न केवल एक असली माउस की तरह काम करता है बल्कि एक जैसा दिखता भी है। हालांकि माउस अभी तक पकड़ में नहीं आया है क्योंकि यह एक अवधारणा माउस है जिसे एक विज्ञापन एजेंसी के सहयोग से बनाया गया है। सैमसंग बैलेंस माउस का वीडियो सैमसंग के कोरियाई यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया। बैलेंस माउस की अवधारणा के पीछे प्राथमिक कारण कोरिया में कार्यजीवन संतुलन सुधार करना था। सैमसंग ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि ऑफिस के ज़्यादातर कर्मचारी समय पर काम से निकलने में झिझकते हैं। लोगों पर हमेशा ऑफिस से निकलने से पहले अपने लंबित कामों को पूरा करने का भारी दबाव रहता है। कई बार उनसे उनके लंबित कामों को पूरा करने के लिए उन्हें समय पर काम करके देना होता है। वीडियो में सैमसंग का कहना है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो ओवरवर्किंग की समस्या को दूर करेगा। कंपनी का कहना है कि यह कोई सामान्य माउस नहीं है, लेकिन इसमें लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से रोकने की क्षमता ज़रूर है। अगर आप ओवरटाइम करेंगे तो माउस हाथ से भाग निकलेगा, पीछे की तरफ से अंदर से चक्के निकलेंगी और वो दौड़ लगा देगा। अगर आप पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो इसकी स्पीड इतनी होगी कि यह हाथ में नहीं आएगा। अगर हाथ में आ भी गया तो माउस का ऊपरी पार्ट निकल जाएगा और माउस पूरी तरह से खुल जाएगा। सैमसंग चाहता है कि लोग बैलेंस माउस प्राप्त करके काम के बाद जीवन का आनंद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।